हेलो क्रिएटिव पीपल, आई होप यू आर ऑल फाइन। टूल्स की प्लेलिस्ट में आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसका टॉपिक है टैबलेट्स एंड पेन डिस्प्लेज। माउस यूज करना कुछ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो इफेक्टिव चीज है वो है पेन टैबलेट और पेन डिस्प्ले। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेकोम की प्रोडक्ट्स यूज करें। वेकोम एक इंटरनेशनल कंपनी है और इसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं वेकोम का बहुत बड़ा फैन हूँ और उसकी वजह यह है कि मैंने जब भी उनकी प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, वो कई सालों तक बहुत अच्छी चली है मेरे पास, और पुराने हो जाने के बाद भी उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। इनकी प्रोडक्ट्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और चीपर ऑप्शंस में टैबलेट डिवाइसेस के लिए उनके पेन बहुत ही यूजफुल हैं। ये पेन उन सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग इस फील्ड में अभी न्यू हैं। टैबलेट पेन यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रेशर सेंसिटिव होता है, विच मीन्स कि आप टैबलेट पर प्रेशर डालकर डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ही आप पेन से टैबलेट पर प्रेशर डालते हैं तो जो डिजाइन आप बना रहे होते हैं उसका कलर गहरा हो जाएगा। मोस्टली लोग पेन प्रेशर ब्रश का साइज, ओपेसिटी और किसी भी चीज को आसानी से नेचुरली ड्रा करने के लिए ये यूज करते हैं। मैं यूजली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेन टैबलेट यूज करते हुए माउस को हाइड कर दिया करें, ताकि माउस यूज करने के बजाय सब काम पेन टैबलेट से इजीली कर सके। स्टार्ट में आपको पेन यूज करते हुए थोड़ा अजीब फील हो सकता है, बट बिलीव मी इट्स वर्थ यूजिंग। क्रिएटिव यूजर्स के लिए वो फीलिंग जब इंसान पेन के जरिए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो एक प्राइसलेस फीलिंग होती है। पेन टैबलेट जैसी डिवाइसेस उन डिजाइनर्स के लिए बहुत यूजफुल है जिन लोगों का ज्यादातर फोटो आर्ट, इलस्ट्रेशंस और रीटचिंग का काम होता है। स्टार्ट में आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टूल्स वगैरह पर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका इस चैनल से रिलेटेड या आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा।